वाले हैं। मुझे आज अपने स्कूल का प्रोजेक्ट मिला हुआ था, इस वजह से आज मैं अपने मतलब स्कूल का प्रोजेक्ट बनाऊंगी और साथ में आपको सिखाऊंगी कि हमें क्या क्या चाहिए होता है और कैसे बनाना होता है। तो मैंने लिया है एक क्लिप बोर्ड और साथ में वाइट कंप्यूटर पेपर, मतलब वाइट नहीं है, डिफरेंट कलर्स हैं। वी विल नीड दिस। फर्स्ट हमें अगर इसमें मिलता है वाइट या नहीं, सॉरी ब्लैक, ब्लैक कंप्यूटर पेपर, ब्लैक तो है नहीं वैसे, देन वी विल टेक वन वाइट। हमें एक वाइट चाहिए, एक वाइट ले लें, ठीक है। ये क्यों तुम क्यों निकल आए हो हैं? तो एक हमें वाइट चाहिए और इसके अलावा, सॉरी गाइज, और इसके अलावा हमें कोई थ्री डिफरेंट कलर्स की कंप्यूटर पे, थ्री डिफरेंट कलर्स, ये पेस्टल कलर्स तो प्यारे लगेंगे। और अगर ये वाला पिंक एंड वन मोर पेस्टल कलर, इतने प्यारे लगेंगे और मिक्स होके, माय गॉड, ये वाओ। वी टेक एंड वी नीड वन मोर वाइट फॉर एंड अदर थिंग, विल टेक ओनली वन। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई हैव गॉट। अंग्रेजी बोल रही हूँ मैं। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने क्या क्या लेना है। टू वाइट कंप्यूटर पेपर्स, आपको जो कलर अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, और मैंने लिए हैं ग्रीन, लाइट ग्रीन, पिंक एंड येलो। सो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है हमारा टेक, सॉरी मैं गलत कर रही हूँ, हम टाइडी पर्सन बन जाते हैं, चीज़ें नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो फर्स्ट हमें एक वाइट पेपर लेना है, उसको हमने कार्ड की शेप में बिल्कुल सीधा उसको कर देना है। देखें यहाँ से बिल्कुल उसके अच्छे एंगल्स करके, ठीक है। फिर कार्ड बन गया, मेक अ कार्ड लाइक दिस, कार्ड बन गया, देखिए बिल्कुल इक्वल है इसकी साइड, हर जगह से इसकी साइड्स इक्वल है। तो हम इसको अभी रखेंगे साइड पे। ये ग्लू स्टिक आ गई हमारी। हमने क्या करना है, अगर आप लोगों को याद, अगर आप लोगों को पता हो तो, अगर आप लोगों ने बनाए हों बचपन में, जो फैंस होते हैं, फर्स्ट हम येलो को बनाएंगे। येलो एंड ग्रीन माय फेवरेट कलर है, आई हेट पिंक, लेकिन इसमें पिंक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। याद है वो हमने जैसे बचपन में एक फोल्ड करते थे और फिर फैन बना लेते थे गर्मियों में, जिसको यूं यूं बंदा करता रहता है वो। तो हमने इस तरह फोल्ड किया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फोल्डिंग शुड बी, ठीक है। इसको फिर हमने यूं फोल्ड कर दिया और फिर सो ऑन, इसी तरह कैरी ऑन कर, इनको यूं आपस में यूं फोल्ड कर देंगे, फोल्डनी सॉरी स्टिक कर देना है ग्लू स्टिक से। अब जैसे ये ग्रीन पिंक के साथ, ओके, बिल्कुल एंड पे। अच्छा जी, तो पहले हम इनको स्टिक करेंगे। ये जिस कमिंग आउट, ये है वुहू, ये निकल आई।
चुका है ड्राई और अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखो ये नीचे जा रहे, वो नीचे चला गया है, बस ये चले गए नीचे पिंक। तो गाइस अभी मैं ये फ्लावर बना के मिलती हूँ। गाइस मेरा होने वाला है, हो गया, वाओ। हाँ और अब हम मेरी बहन को ट्यूशन से लेके आते हैं। ये देखो वाओ वाओ कितना प्यारा लग रहा है यार, मैंने बनाया, मैं बैठी थी इधर और फिर आके इसका अगला स्टेप बताऊं। तो गाइस अभी हम आए हैं मेरी बहन को लेने और क्या बताऊं, यहाँ पे खड़ी कर दे, पार्किंग मिल गई। तो अभी मैं आती, मतलब अभी मैं वापस जाऊंगी घर और आपको दिखाऊंगी कि हमारा पॉप अप कार्ड कैसे बना सकते हैं हम। लाइट ऑफ, चलो फिर मैं घर जाके ही मिलती हूँ। अभी मैं अपनी बहन को लाती हूँ, फिर घर जाएंगे, फिर पॉपअप कार्ड बनाएंगे। मैं आ चुकी हूँ वापस और यार मुझे वीडियो बनाने दो। हाँ तो क्या मैं बोल रही थी, सो गाइस अभी हम आ चुके हैं वापस। ये वो हमारा बन गया था, ये हमने वो कार्ड बनाया था और ये है मेरा इस तरह का, आपको कुछ बन जाएगा ठीक है। अब हमने इसको मेट से पकड़ के, बिल्कुल मेड से, एक मिनट, ऑन द मेड यहाँ पे ग्लू करके इसको हम ग्लू कर देंगे। अच्छा जी ये है ना, तो दिस, सॉरी, वी विल डू दिस इन द मिडल एंड देन होल्ड इट अप लाइक दिस, ओके। और ये वी हैव डन आवर फ्लावर। गाइस जब तक ये ड्राई होते हैं ना, तो बाय बाय, हैंड भी वॉश। तो गाइस ये ड्राई हो चुका है, अब क्या करना है, तो हमने क्या करना है, ये जो अब आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, इसको एक एक करके यूं कुछ इस तरह से स्टिक कर देना है। तो मैं आपको एक दो लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं वीडियो देखें। यूं लगाया, वी विल फोल्ड इट एंड वी विल फोल्ड इट अगेन। तो ये जो है हमारे पास ये पेपर, देखें ये हमने कार्ड यूं बनाया था एंड दिस इज द फ्लावर द मेन टॉपिक। कितने प्यारे, ये देखो थोड़ा स्टिकी है यार। मेरे एक आइडिया आया ना, वो मैं आपको एंड में पिक्चर दिखा दूंगी। तो अब हम इसको पेस्ट करते हैं, पहले मैं कैमरा लगाऊं। तो यहाँ पे कैमरा लग चुका है, थोड़ा सा अभी इसको ऊपर, जस्ट डू दिस लाइक लिटिल बिट ऑफ दिस। और ये हमारा फ्लावर, वी विल डू दिस द एंड ऑफ द फ्लावर, विल जस्ट एड सम ग्लू एंड देन पुट इट बैक राइट इन, ओके। अभी तो नहीं किया, फिलहाल मैं इस पर थोड़े बहुत कलर कूलर कर लूँ ना फिलहाल। तो अभी मिलते नहीं हैं, आप टाइम लैप्स देखो कि मुझे आती नहीं है और एडिट क्या, कभी मैं करती हूँ, कभी मेरी मम्मा, कभी मेरी बहन, मैं आती नहीं है, तो फिर टाइम लैप्स कैसे देखोगे। तो मैं इन कलर्स बनाने वाली हूँ, एक मिनट।
अभी ना मैं ना कोई अच्छा सा शॉर्ट बनाने वाली हूँ, जैसे कि तो गाइस ये अभी मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। मैं इस पर लिखा हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हम इसको खोलते हैं, ठीक है। अच्छा विल जस्ट इनको हम साइड पर रख देते हैं। अच्छा जी अब आती है फ्लावर की बारी। तो ये इस तरह को आपको कुछ फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो जगह है यहाँ पे हम लगाएंगे ग्लू स्टिक। थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको ना बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल ओनली सेंटर, मतलब ओनली नहीं। और मैं ना इस तरह का ना एक सीढ़ियों वाला भी बनाऊंगी, ठीक है। वो मैंने मेरी क्लास में, वो ये बताओ मैं अभी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारी क्लास में होना था ना, मेरे पास अब पेपर नहीं थे तो मैं घर पे आकर मैंने कर लिया, ठीक है। एक ग्लू स्टिक लग गई, मेरा हाथ वहाँ गया। 1 2 3 अभी देखें इसको ना, इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं अभी। और ये होता है पॉपअप, दिस इज पॉपअप, प्यारा है ना। देखें हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना प्यारा बने। अब तो अब हम इसी तरह के और बना के ये लास्ट में दिखाएंगे, तब तक ले बाय बाय। तो गाइस ये है मेरा पॉप अप कार्ड हैप्पी बर्थडे, इसके अंदर मैंने लिखा है हैप्पी बर्थडे। तो आप इस रेसिपी रेसिपी बोल इस मतलब जैसे मैंने बनाया उसको उसको मतलब इस्तेमाल करके ना आप ये बना सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सो टिल देन डू लाइक, टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो एंड माई चैनल विच इज माया स्कूल लाइफ स्टाइल। बाय बाय बाय।